हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान के इतिहास में हम मित्रों जान रहे थे राठौड़ वंश के बारे में। मित्रों, राठौड़ वंश में हमने राव सिंह के बारे में जान लिया था। राठौड़ वंश की उत्पत्ति के बारे में भी काफ़ी जानकारी हमने प्राप्त कर ली थी। मित्रों, राव सिंह के बाद उनके पुत्र आसनाथ के बारे में हमने जाना, और आसनाथ के बाद मित्रों दूहड़, राव चूड़ा, इनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। मित्रों, राव चूड़ा के बारे में जब मैंने आपको बताया तो उसमें मैंने बताया था कि इन्होंने अपनी चौहान शासक मेघराज की पुत्री किशोरी देवी, जो राव चूड़ा की पत्नी थी, उसके पुत्र को इन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया और उसके पुत्र का नाम था काना। मित्रों, काना को उत्तराधिकारी बनाने के कारण इनका जो बड़ा पुत्र था जिसका नाम था रणमल राठौड़ जो था वो इनसे नाराज होकर मेवाड़ चला गया राणा लाखा के पास। अब मित्रों जानते हैं राव काना के बारे में। काना जो था उसका शासनकाल मित्रों 1423 से लेकर 1427 तक था। और मित्रों, ये काना जो था इसके बारे में कहा जाता है कि मारवाड़ में रहते हुए सांखला व भाटियों से युद्ध करते हुए मारा गया। मित्रों, जनश्रुति है कि काना जो है वो करणी माता ने मारा था उसको। राव काना को किसने मारा? करणी माता को मारा। करणी माता ने राव काना को मारा था। और ये क्या है मित्रों? एक जनश्रुति है, यानी कि लोगों द्वारा कही गई, सुनी गई एक कहानी है कि राव काना का जो वध है वो करणी माता ने किया था। मित्रों, उसके बाद जो काना के लड़के थे जिनका नाम था रणधीर और नरबद, क्या नाम था? रणधीर और नरबद, इन दोनों में झगड़ा हुआ, विवाद खड़ा हो गया। और जो रणधीर था वो मारवाड़ की स्थिति को नाजुक देखते हुए उसने रणमल जो था इसको वापस बुलाया। राव चूड़ा का जो बड़ा पुत्र था रणमल, इसको वापस मारवाड़ बुलाया। मित्रों, अब राव रणमल के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।